इसका क्या मतलब है इसको आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू के इंटू रूट अंडर डब्ल्यू अगर इसको स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा ठीक है इसका क्या मतलब है कि आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्लू टू ये आपको इस तरह से कॉन्स्टेंट मिलेगा सिमिलरली ये भी बोल सकते हो आर्थी आर्थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्लू थ्री ये आपको क्या मिल जाएगा कॉन्स्टेंट मिल जाएगा ठीक है यहां पे फर्स्ट केस में क्या गिवन है कि अगर कोई भी वैगन्स नहीं था तो स्पीड था थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर और अगर नाइन वैगन्स को ऐड कर दिया है तो रिड्यूस होकर स्पीड कितना हो गया है थर्टी किलोमीटर पर आवर मतलब का रिडक्शन हो रहा है जब आपने नाइन वैगन को यूज किया है देखो क्वेश्चन में क्या करा कि फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम वैगन विच कैन बी पुल्ड बाई द इंजन इसका क्या मतलब है कि आप स्पीड के रिडक्शन को ऑप्टिमम पे ले जाओ 36 के लिए कैलकुलेट करके देख लो और जो नंबर ऑफ वैगन आएगा उसमें से एक वैगन कम कर देना या नंबर ऑफ वैगन तो आप नंबर डिजिट में ही कम करोगे ना तो एक भी वैगन कम कर दोगे तो इसका क्या मतलब है ट्रेन भले ही रु, रुके नहीं थोड़ा थोड़ा स्पीड से चलता रहेगा तो यहां पे क्या लोगे आप रिडक्शन में क्या लिखोगे 36 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय वेगन आपको चाहिए W1. यहां पे कितना, तो तो कितना, कितना यूज किया था नाइन थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स से यह कितना हो जाएगा फोर बाई डब्ल्यू वन इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा फोर तो यहां से वैगन कितना आएगा? यह वैगन आपको मिल जाएगा से इसको डिवाइड करोगे तो नाइन इसका मतलब W1 to, मिल जाएगा आपको 36 9. इसको आप क्या लिखोगे नाइन इंटू सिक्स तो फोर्थ और ये थर्टी टू तो अगर आप थर्टी सिक्स किलोमीटर का रिडक्शन करोगे तो ट्रेन बिल्कुल स्टॉप कर जाएगी तो उसके लिए नंबर ऑफ वैगन कितना चाहिए थ्री ट्वेंटी फोर तो थ्री ट्वेंटी तो वैगन में तो ट्रेन जीरो स्पीड से चलेगी तो आप क्या करो एक वैगन और कम कर दो तो क्या होगा ट्रेन का मिनिमम कुछ ना कुछ स्पीड तो मिलेगा ही मिलेगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर चैनल विथ योर फ्रेंड्स